पिछले 3-4 सालों से आंदोलन पूरे हिंदुस्तान में, अनेक राज्यों में, अनेक जगह पे अनेक प्रकार के आंदोलन हुए हैं। यहाँ तक कि हमने भिक्षा मांग के प्रधानमंत्री जी के राहत कोष में भेजी है, मुंडन किए हैं, ताले लगवाए हैं सारी BFO के ऑफिस को। हमारा मेन मांग हमारी जो है 7,500 और महंगाई भत्ता हमें मिलना चाहिए। हमारा अंशदान सरकार के पास जमा है, हमने अपने पेंशन के लिए अंशदान किया है, हर एक का तकरीबन 20 लाख रुपए सरकार के पास जमा होने के बावजूद सिर्फ 200 से 2,000 रुपये पेंशन मिलती है। ये बहुत बड़ी विडंबना है कि आप 100 रुपये दे के श्रम योगी योजना में 30 साल में 3,000 पेंशन देते हो। इन्होंने 541 रुपये 30-35 साल दिए और इनको अभी तक 3,000 पेंशन नहीं है, सिर्फ 1,000 रुपये मिनिमम पेंशन की है, जो भी 17 लाख लोगों को नहीं मिलता। दूसरी बात, सुप्रीम कोर्ट ने हायर पेंशन के मामले में हमारे तरफ से निर्णय दिया था, उस निर्णय को भी ये लागू नहीं कर रहे हैं। और जो सुप्रीम कोर्ट का निर्णय है उसके ऊपर भी एक इंटरिम एडवाइजरी बना के इन्होंने वहाँ रोक के रखा है। तो ये दोनों मांगे हमारी मेन है। तीसरी मांगे हमारी स्वास्थ्य की है कि हमारे जो बुज़ुर्ग हैं, पेंशनर्स हैं EPS के, इनको और उनकी पत्नी को अच्छी आरोग्य सुविधाएं मुहैया की जाए, और जो लोग इस दायरे में नहीं आते EPS के, उनको भी एक्स पोस्ट फैक्टो मेंबर बना के उनसे पैसे भरवा के और उनका एरियर्स दे के उसका बुक में एडजस्टमेंट करके इनको भी पेंशन के दायरे में लाया जाए। तो ये 4 मुख्य मांगों के साथ आज हम दिल्ली में जंतर मंतर पे आंदोलन कर रहे हैं और प्रधानमंत्री जी के कार्यालय पे हम मार्च करेंगे और उनको निवेदन देंगे। सर, जैसे सरकार आपकी मांगें पूरी नहीं करती हैं तो इस बारे में क्या कहना चाहेंगे आप? अगर सरकार मांग पूरी नहीं करती तो हम हर तीसरे घर में EPS का आदमी है पूरे हिंदुस्तान में। हम हो सकता है हम विकल्प खड़ा करें और हम अपने आने वाले समय में, अगर सरकार सिर्फ राजनीति की भाषा ही समझती है तो हम भी राजनीति की भाषा में समझाने की कोशिश करेंगे। अभी तो चुनाव भी आने वाला है, लगता है आपकी मांगें पूरी हो जाएंगी? हमारी मांगें पूरी होना बहुत ज़रूरी है। अगर सरकार को फिर से सत्ता हासिल करनी है तो हमारी मांगें उनको पूरी करनी पड़ेगी, अगर नहीं तो फिर हम अपने सारे विकल्प हमने खुले छोड़ के रखे हैं और आज की सभा में भी इस पर चर्चा होगी और उसके बाद हमारा निर्णय होगा। हमारी मांगे जो भी पूरी कर, हमारा नारा है जो पेंशनर्स का काम करेगा वही देश पे राज करेगा। खाली 2,000 पेंशन मिलती है, देखो इतना स्किल्ड वर्क करके भी ड्राइवर का जॉब करके भी अगर जरा भी इधर उधर नज़र गई तो 30-50 आदमी का जान जा सकती है। ऐसा स्किल्ड वर्क करके भी हमें, हम काम किए जब हमको पगार अच्छा दिया, नहीं ऐसा नहीं बोलते, लेकिन रिटायर होने के बाद वही बस में हम टिकट निकाल के चलते हैं क्यों? और पेंशन अपने बाल बच्चे औरत उसको पोसने के लिए 2,000 रुपये काफ़ी होता है क्या? आप ही बोलो सर, वो काफ़ी नहीं होता है। इसलिए हम सालों से झगड़ते आए, बहुत बार आंदोलन किए, मरने की कोशिश भी की, हर चीज़ करते आए और इस टोक को आए हैं। वो सरकार की भी ही घड़ी अच्छी है, अगर उन्होंने हमारे लिए कुछ किया तो हम भी सरकार के लिए रहे और इसके पीछे भी सरकार के रहे हैं। अगर इन्होंने हमारे बारे में ना बोल दी तो हम भी उनको हमारा अगला रास्ता बता देंगे। देखिए 16 नवंबर 1995 में जैसी योजना बनी तो योजना के कुछ वैशिष्ट्य थे। पहला ये था कि ये इसमें जाहिर किया गया था कि सरकारी पेंशन से इसमें 10% ज़्यादा पेंशन मिलेगा। दूसरी बात ये थी कि हर 3 साल के बाद या हर साल के बाद इसका फाइनेंशियल रिव्यू होगा और पेंशन बढ़ोतरी के लिए उसका यूज़ किया जाएगा। और तीसरा एक इसमें एक चार्ट दिया हुआ था, हर आदमी रिटायर होने के बाद में उसको पेंशन कितना मिलेंगे। जिसने 40 साल काम किया है तो उसका जो अंशदान उसका खुद का गया हुआ है वो अंशदान की उसकी रिटायर होने के टाइम पे कीमत जो रहेंगी वो दिया हुआ था 23,69,000। उसको पेंशन कितनी मिलेंगी वो दी हुई थी 27,156 रुपये और वो मरने के बाद उसका जो वारिस रहेगा जिसको रिटर्न ऑफ कैपिटल बोलते हैं तो उसको 27,05,000 ऐसे वापस मिलेंगे। ऐसा योजना में, मूल योजना में था, मगर मूल योजना का जो है कुछ भी नहीं मिल रहा। हम लोगों को 27,000 के बजाय
200 रुपए से लेकर 2500 तक पेंशन मिल रही, ये बहुत बड़ा अन्याय है। आंदोलन 2015 से चल रहा है, पहले भी आंदोलन चलते रहे, कई लोग अपने अपनी जगह पर करते रहे, लेकिन जो राष्ट्रीय संघर्ष खड़ा हुआ है वो 2015 से शुरू हुआ और 2017 से इसको बल मिला है। आज 29 राज्यों में हमारी संगठना है और जिला स्तर पर है, तो इतनी बड़ी संगठना है। और हमारा सिर्फ एक ही है कि हमारे लोग उम्र दराज है, पैसे हमारे पास नहीं है, बीमारियाँ है, इसलिए वो इकट्ठा नहीं हो सकते। लेकिन आज भी देखिए आप, हजारों की तादाद में लोग इकट्ठा हुए दिल्ली में इतनी कड़ाके की सर्दी में, दूर दराज से आए, केरला से आए, बंगाल से आए, और ये सभी लोग जो है ये आज संकल्प करने वाले हैं कि अगर सरकार ने हमारा काम किया तो हम सरकार को मदद करेंगे घर की रोटी खा के, लेकिन अगर सरकार ने हमारा काम नहीं किया तो हम इसका जो भुगतान है बदला है वो हम जरूर लेंगे। आप स्वयं कहाँ से आए? मैं स्वयं महाराष्ट्र से हूँ और राष्ट्रीय संघर्ष समिति का राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ, नेवी से रिटायर्ड हूँ और ये काम करता हूँ। हमारे सब भाई लोग मिलके हम ये काम करते हैं, ये देश का बहुत बड़ा काम है। बुजुर्गों की इज्जत देश में होनी चाहिए, घर में होनी चाहिए, इसलिए हमारा ज्येष्ठ भारत श्रेष्ठ भारत नारा है।